मैट्रिक्स ऑपरेशंस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्न में सक्षम होंगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट, इनवर्स और आइगन वैल्यूज को निर्धारित करने में, विशेष मैट्रिक्स को परिभाषित करने में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने में, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हल करने में निम्न की पूर्व आवश्यकताएं हैं। आपके सिस्टम पर साइलैब इंस्टॉल होना चाहिए। आपको स्पोकन ट्यूटोरियल गेटिंग स्टार्टेड विद साइलैब और वेक्टर ऑपरेशंस को सुना हुआ होना चाहिए। प्रदर्शन के लिए मैं विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा साइलैब 5.2.2 का प्रयोग कर रहा हूँ। अपने डेस्कटॉप पर उपस्थित साइलैब आइकन पर डबल क्लिक करके साइलैब को शुरू करें। मैं यह सुझाव देता हूं कि यूजर को समय के नियमित अंतराल पर वीडियो को रोककर साथ साथ साइलैब में इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करना चाहिए। याद रहे कि स्पोकन ट्यूटोरियल वेक्टर ऑपरेशंस में मैट्रिक्स ई को निम्न की तरह परिभाषित किया गया था। ई इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोले 5 स्पेस 19 स्पेस 15 सेमीकोलन 8 स्पेस 22 स्पेस 36 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें के रूप में और एंटर दबाएं। अब हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स के अलग अलग एलिमेंट्स की स्वतंत्र रूप से किस प्रकार व्याख्या की जाती है। पहली रो और दूसरे कॉलम में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए टाइप करें ई ब्रैकेट में 1, 2 और एंटर दबाएं। साइलैब में मैट्रिक्स की एक पूरी रो या एक पूरे कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना आसान है। उदाहरण के लिए ई की पहली रो निम्नलिखित कमांड का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है। E1 इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1, और एंटर दबाएं। इस कमांड के परिणाम स्वरूप पहली रो के सभी एलिमेंट्स रो में उनकी उपस्थिति के क्रम में प्राप्त होते हैं। कोलन जब अकेले प्रयोग होता है तो कॉलम या रो के सभी एलिमेंट्स को संदर्भित करता है, निर्भर करता है कि यह ब्रैकेट के अंदर क्रमशः पहली एंट्री के रूप में प्रकट होता है या दूसरी। मैट्रिक्स के किसी भी सबसेट को कोलन का उपयोग करके भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ई के दूसरे कॉलम से शुरू करके तीसरे कॉलम तक के एलिमेंट्स का सेट निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। E2 इज इक्वल टू ई ऑफ कोलन कॉमा 2:3 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। उपरोक्त में ब्रैकेट में दूसरी एंट्री यानी 2:3 कॉलम 2 से कॉलम 3 के एलिमेंट्स को संदर्भित करता है। यदि मैट्रिक्स का आकार ज्ञात नहीं है तो मैट्रिक्स की अंतिम रो या कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉलर चिन्ह का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैट्रिक्स ई के अंतिम कॉलम की सभी रोज को निकालने के लिए हम टाइप करेंगे ई लास्ट कॉलम इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में कोलन कॉमा डॉलर साइन ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। अब सीखते हैं कि डीईटी कमांड का उपयोग करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की गणना कैसे की जाती है। याद रखें कि वेक्टर ऑपरेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में हमने ए को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया था। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस -1 सेमीकोलन -2 स्पेस -6 स्पेस 4 सेमीकोलन -1 स्पेस -3 स्पेस 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। कमांड डेट ऑफ ए का प्रयोग करके ए के डिटरमिनेंट की गणना करते हैं और एंटर दबाएं।
एक मैट्रिक्स के इनवर्स तथा आइगन वैल्यूज की गणना करने के लिए क्रमशः INV और spec कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए INV of A A का इनवर्स देता है तथा spec of A मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज देता है। हेल्प स्पेक देखें यह देखने के लिए कि इस कमांड का उपयोग करके आइगन वेक्टर्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के स्क्वायर या क्यूब की गणना क्रमशः A स्क्वायर या A क्यूब टाइप करके की जा सकती है। मैट्रिक्स पर घात लगाने के लिए साधारण एरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरह ही एक कैरेट चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हमारे कीबोर्ड में यह शिफ्ट 6 दबाने से प्राप्त होता है। कृपया आप ट्यूटोरियल रोक दें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या 1 को हल करें। कुछ विशेष मैट्रिक्स साइलैब में भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 3 रो और 4 कॉलम युक्त जीरोस का एक मैट्रिक्स जीरोस कमांड का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जीरोस ब्रैकेट्स में 3, 4 और एंटर दबाएं। एक मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 हो, वंस कमांड का प्रयोग करके बनाई जा सकती है, जो निम्नलिखित है: वंस ब्रैकेट में 2, 4 सारे एलिमेंट्स 1 की एक मैट्रिक्स देता है। आई कमांड के उपयोग करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना आसान है। आई ऑफ 4, 4 एक 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। एक यूजर को स्यूडो रैंडम नंबर से युक्त एक मैट्रिक्स की आवश्यकता हो सकती है। इसे रैंड कमांड का प्रयोग करके निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है: p is equal to rand ब्रैकेट में 2, 3 और एंटर दबाएं। लीनियर सिस्टम में यूजर द्वारा मैट्रिक्स पर की जाने वाले ऑपरेशंस के महत्वपूर्ण सेटों में से एक एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस है। इन ऑपरेशंस में एक अशून्य संख्या के नीचे की एंट्रीज को शून्य बनाने के लिए एक मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशंस करना शामिल है। यह साइलैब में आसानी से किया जा सकता है। याद रखें कि वेक्टर ऑपरेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में हमने मैट्रिक्स P को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था: P is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 space 2 space 3 सेमीकोलन 4 space 11 space 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। अब एक उदाहरण पर विचार करते हैं जहां एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करके दूसरी रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को शून्य में बदला जाता है। पहली रो में 4 से गुणा करके और इसे दूसरी रो से सब्ट्रैक्ट करके इस ऑपरेशन को निष्पादित किया जा सकता है, जैसा निम्नलिखित कमांड में किया गया है: p ब्रैकेट में 2, is equal to p ब्रैकेट में 2, -4 इसे p ब्रैकेट में 1, से मल्टीप्लाई करें और एंटर दबाएं। इस प्रक्रिया को बड़े सिस्टम्स के लिए और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के अन्य रूपों के लिए बढ़ाया जा सकता है। रोज और कॉलम्स को मैट्रिक्स में आसानी से संलग्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एलिमेंट्स 5, 5, -2 से युक्त एक रो को p में संलग्न करने के लिए निम्नलिखित कमांड का प्रयोग किया जाता है: t is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें p सेमीकोलन
दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, एलिमेंट्स 5, 5, माइनस 2 लिखें, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। P के बाद सेमीकोलन यह बताता है कि इसके बाद कुछ भी अगली रो में जाना चाहिए। यह उसी तरह अपेक्षित है जैसे एक मैट्रिक्स को परिभाषित किया जाता है। एक अभ्यास के रूप में कृपया यहां रुकें और जांच करें कि क्या अभी निष्पादित किए गए कमांड में नई रो के दोनों तरफ ब्रैकेट वास्तव में आवश्यक है। समीकरणों को हल करते समय मैट्रिक्स नोटेशंस का उपयोग किया जाता है। अब लीनियर इक्वेशंस के निम्नलिखित सेट को हल करते हैं। x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 1 minus 2x1 minus 6x2 plus 4x3 is equal to minus 2 और minus x1 minus 3x2 plus 3x3 is equal to 1। समीकरणों के उपयुक्त सेट को ax is equal to b के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हल इनवर्स ऑफ a टाइम्स b के रूप में दिया जाता है। अब समीकरणों के सेट को हल करते हैं। a को निम्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। a is equal to square bracket खोलें 1 space 2 space minus 1 semicolon minus 2 space minus 6 space 4 semicolon minus 1 space minus 3 space 3 square bracket बंद करें और enter दबाएं। b को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। b is equal to square bracket 1 semicolon minus 2 semicolon 1 square bracket बंद करें और एंटर दबाएं। x का हल प्राप्त किया जा सकता है x is equal to inverse of a को b से गुणा करके। यहां ध्यान दें कि कमांड inv में i स्मॉल लेटर में हो। वैकल्पिक रूप से साइलैब में एक बैकस्लैश ऑपरेशन का प्रयोग करके भी समान परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। अब साइलैब में इसे करते हैं। x is equal to a backslash b और एंटर दबाएं। यह समान परिणाम देता है। इसके व्यक्तिगत लाभों एवं हानियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए साइलैब में हेल्प बैकस्लैश और हेल्प आईएनवी टाइप करें। इस हल की वैधता का सत्यापन बैक सब्स्टिट्यूशन यानी एएक्स माइनस बी की गणना से किया जा सकता है। ए को एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करें। उपरोक्त अभ्यास पूर्व में प्राप्त किए गए परिणाम को सत्यापित करता है। यह संभव है कि कुछ सिस्टम्स में उपरोक्त सत्यापन अभ्यास मध्यवर्ती फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के कारण सटीक शून्य युक्त एक मैट्रिक्स प्रदान नहीं कर सकता है। हालांकि वास्तव में एक बहुत छोटी संख्या प्राप्त होगी, आमतौर पर 10 की घात -16 के क्रम की। कृपया आप ट्यूटोरियल को रोकें और वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या 2 को हल करने का प्रयास करें। यह हमें मैट्रिक्स ऑपरेशन पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है। साइलैब में कई अन्य फंक्शन हैं, जिन्हें अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल्स में कवर किया जाएगा। साइलैब लिंक्स देखते रहें। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कोलन ऑपरेटर का प्रयोग करके मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना, बैकस्लैश या आईएनवी कमांड का प्रयोग करके मैट्रिक्स के इनवर्स की गणना करना, डीईटी कमांड का प्रयोग करके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की गणना करना, स्पेक कमांड का प्रयोग करके एक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज की गणना करना, सारे एलिमेंट्स 1 वाले मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तथा कर्मशः फंक्शंस वंस, जीरोस, आई, रैंड का प्रयोग करके रैंडम एलिमेंट्स वाले एक मैट्रिक्स को परिभाषित करना, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हल करना। यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन द्वारा बनाया गया है। फॉसी प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी fossee.in या scilab.in से प्राप्त की जा सकती है।
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अलविदा।